ओके, तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। डायपोल निकालेंगे, डायपोल में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे एक्सियल पॉइंट पर और इक्वेटोरियल पॉइंट पर। तो पिछले क्लास में मैंने तुमको डायपोल पढ़ा दिया था, ये सब कुछ। डायपोल क्या होता है, डायपोल फील्ड क्या होता है ना, और इसका वेरिएशन क्या है डायपोल फील्ड का विद डिस्टेंस। तो ये कुछ बातें हो गई थी, है ना, और ये सब चीज़ें आज हम लोग को फॉर्मूले में देखने के लिए मिलेगा। ओके, तो मैं टाइम ज़्यादा नहीं वेस्ट करूँगा, ठीक है, क्योंकि आसान चीज़ है और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पता होना चाहिए बस तुम लोगों को, और वेक्टर टर्म में कैसे लिखा जाता है ये चीज़ें मालूम होनी चाहिए। चलो मैं स्टार्ट कर देता हूँ फिर, जिसको आना था वो आ चुका है। ओके, तो हमारे पास अब नेक्स्ट टॉपिक आएगा, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल, मतलब एक्सिस के अलोंग ही किसी पॉइंट पर, है ना, तो उसे क्या कहेंगे, एक्सियल पॉइंट ऑफ ए डाइपोल, ऑफ ए डाइपोल। तो अब निकालेंगे कैसे, ठीक है ना, तो डायग्राम बनाना पड़ेगा भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है हमने, है ना, डायपोल के द्वारा एक्सियल पॉइंट पर। तो हम लोग को डायग्राम बनाने से पहले कुछ बातें लिखनी होगी, ठीक है ना, तो बातें लिख लेते हैं। कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ कंसिस्टिंग कंसिस्टिंग ऑफ चार्जेस। डायपोल में चार्जेस कौन से होते हैं, प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, ठीक है। तो इसको यहाँ पे इसको मिटाओ, यहाँ लिख दो माइनस का क्यू, ये चीज़ें हो गई। इसके अलावा ये दोनों चार्जेस सेपरेट होते हैं, तो सेपरेटेड बाई स्मॉल डिस्टेंस। अब वो स्मॉल डिस्टेंस क्या है, 2a, ठीक है ना, और कहाँ पे प्लेस्ड है, वैक्यूम में। तो मैं लिख सकता हूँ एंड प्लेस्ड इन वैक्यूम, ठीक है ना, ठीक है, वैक्यूम में रखा गया है। मान लीजिए डायपोल के एक्सिस पे ही हमने कोई पॉइंट कंसीडर करना है, उस पॉइंट को हम मान लेंगे P, है ना। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, लेट P बी ए पॉइंट। मान लो कि P एक पॉइंट है ऑन द एक्सियल लाइन। तो एक्सियल लाइन पे मतलब एक्सिस के लाइन पे कोई P पॉइंट है और उसकी दूरी R है ना, एट ए डिस्टेंस R, डिस्टेंस आपके पास स्मॉल R है, ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। स्मॉल आर है कहाँ से, फ्रॉम द सेंटर ओ, और सेंटर ओ कहाँ पे होगा, डायपोल के कहीं किसी पोजीशन पे होगा, है ना। तो फ्रॉम द सेंटर ओ ऑफ द डायपोल, तो ये जो बातें लिख ली है ना, इनका डायग्राम बनाना पड़ेगा हमें, है ना। ऑफ द डायपोल ऑन द साइड, ऑन द साइड ऑफ द प्लस क्यू, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज। तो ये बातें लिख लिए, तो इसको पहले डायग्राम से हम लोग को रिप्रेजेंट करके दिखाना होगा। तो हम लोग को क्या करना है, डायपोल लेना है, ठीक है ना। तो डायपोल ले लो, तो इस पॉइंट पर मान लो कोई चार्ज है आपके पास माइनस क्यू, है ना, और इस पॉइंट पर मान लीजिए कोई चार्ज है प्लस का क्यू। अगर नाम देना तो नाम दे दो इस पॉइंट को ए और इस पॉइंट को बी, ठीक है, इतनी बात क्लियर हो जानी चाहिए तुम्हें, ठीक है। अभी तुम्हारा डायपोल हो गया और इसकी डिस्टेंस कितनी है, 2a, ये बात भी क्लियर हो गया। अब इस डायपोल के ही एक्सिस पर, तो डायपोल का जो है एक्सिस है भाई, ठीक है ना, तो उस एक्सिस को इस तरीके से प्रेजेंट कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। अभी डायपोल के एक्सिस पे ही मान लो कोई ये पॉइंट है, यहाँ पर, यहाँ पे कोई पॉइंट है P,
है ना। और यहाँ पे कोई हमारे पास मान लो लोकेशन है ओ, ठीक है ना। तो इस ओ से लेकर इस पॉइंट पी तक की दूरी जो हमने मानी है वो क्या मानी है भाई, स्मॉल आर मानी है। वहाँ पे लिखता हूँ स्मॉल आर, यहाँ से लेकर के यहाँ ओ तक की दूरी, ठीक है ना। चलो अब मुझे बताओ ए से लेकर पी तक की दूरी कितनी हो जाएगी, ए रहा और बी रहा, तो आर प्लस ए, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास यहाँ से लेकर के वहाँ तक की दूरी आर प्लस ए, राइट। अच्छा मुझे ये बताओ कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, है ना। ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक आर है और इतना क्या है ए है, तो ये ए अगर इतना माइनस कर दूंगा तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी पता चल जाएगी मेरे को, तो ये कितना हो जाएगी आर माइनस ए। समझ में आ गया ये पॉइंट, हाँ भैया, ठीक है। तो ये था भी डायग्राम, है ना। अब मान लो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है पी पॉइंट पर, है ना, माइनस क्यू चार्ज के द्वारा। तो पी पॉइंट पे कंसीडर कर लो कि एक पॉजिटिव चार्ज है, तो उस पॉजिटिव चार्ज को, है ना, ये माइनस क्यों क्या करेगा अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है ना। और वैसे भी माइनस चार्ज में फील्ड इनवर्ट होता है, माइनस चार्ज की तरफ फील्ड जाता है। याद है तुम्हें माइनस क्यू बनवाया था मैंने तुम लोग को, माइनस क्यू बनवाया था तो उसके अंदर की तरफ आ रहा था फील्ड, याद है तुम्हें, जी परपेंडिकुलर एकदम, है ना, अंदर की तरफ आ रहा था। तो यहाँ पे भी क्या होगा, फील्ड अंदर की तरफ आएगा कहीं ना कहीं, ठीक है ना। तो अंदर आता हुआ तुमको दिखाना पड़ेगा, राइट। चलो तो यहाँ से अंदर आता हुआ दिखा दो फील्ड को। तो फील्ड इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस चार्ज के द्वारा इस डायरेक्शन में मुझे जाएगा, माइनस ऑफ क्यू। क्लियर हो गई ये पॉइंट, ठीक। अब बताओ अगर प्लस चार्ज के द्वारा मैं देखूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, अवे होगी, क्योंकि प्लस चार्ज क्या करता है फील्ड को बाहर की तरफ प्रोड्यूस करता है। तो ये बी पॉइंट पे जो ये चार्ज है वो इस पी पॉइंट पर किस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा भाई, इस तरफ लगाएगा अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। या फिर ऐसे समझ लो ये पॉजिटिव चार्ज है और पी पॉइंट पे भी अगर कोई पॉजिटिव चार्ज रख दूंगा मैं, अगर पी पॉइंट पे भी अगर कोई पॉजिटिव चार्ज रख दूंगा तो वो इसको इधर ही रिपल करेगा, या तो ऐसे समझ लो, ठीक है। तो ये हो गया प्लस का क्यू, ठीक है ना। तो तुमको दो चीज़ मिल गई, प्लस का क्यू और माइनस का क्यू। यहाँ तो कोई डाउट, नहीं है, ठीक है। तो ये डायग्राम बन चुका है, ठीक है ना। अब इसमें मेन बात क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा आपको माइनस चार्ज के द्वारा। तो ई ऑफ अगर माइनस क्यू निकालना है तो फॉर्मूला क्या होता है, के क्या होता है, वन अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट। और क्यू है ना, तो क्यू क्या हो जाएगा भाई बताओ, माइनस का क्यू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, माइनस क्यू से लेकर के पी पॉइंट तक के डिस्टेंस का स्क्वायर, क्योंकि पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो माइनस क्यू चार्ज के द्वारा, तो फिर इसलिए मैं माइनस क्यू से पी पॉइंट तक का डिस्टेंस लूँगा। और कितना डिस्टेंस है, आर प्लस ए, ये टोटल डिस्टेंस है, तो इसका स्क्वायर आ गया। लेकिन अगर यही फॉर्मूला मैं वेक्टर क्वांटिटी के टर्म में लिखना चाहूँ, है ना, तब क्या होगा, यहाँ पे एक पी कैप आ जाएगा, ठीक है, डायपोल के लिए, ठीक है ना। तो इतनी बातें क्लियर हो गई तुमको, ये फॉर्मूला, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लिखूंगा अगर प्लस चार्ज के लिए, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना चाहूंगा प्लस चार्ज के लिए, तो क्या हो जाएगा, वन अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस का चार्ज अपॉन में आर प्लस, सॉरी माइनस है ना, माइनस है। आर माइनस ए का होल स्क्वायर और पी का कैप। तो ये दोनों फील्ड पता चल गई मेरे को, ठीक है, बात ठीक है। अरे भाई बोलोगे कुछ, ठीक है। अब मान लो कि मुझे इसी पॉइंट पर, इसी पॉइंट पर अगर मुझे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है ना, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, ये वाला चार इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर दूंगा ऐड, तो मेरा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा पी पॉइंट पर, क्लियर। ओके तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, हैंस हैंस रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ
हाँ भाई हाँ वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में तो माइनस होगा ना। मतलब तुम ऐसे भी कंसीडर कर सकते हो कि जो डायपोल जो है ना वो अपोजिट डायरेक्शन में है। मतलब डायपोल की डायरेक्शन क्या है, इस डायरेक्शन में माइनस क्यू से प्लस क्यू, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये वो किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में है ना। आप ऐसे भी कंसीडर कर सकते हो, तो दोनों केस में यहाँ माइनस ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअली मैं चाह रहा हूँ कि बहुत सिंपल तरीके से तुम्हें समझा दूँ, ठीक है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है 5 नंबर का आएगा तुम्हारे एग्ज़ाम में, तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि जितना आसानी से तुम्हें ये डायरेक्शन समझा दूँ उतना ज़्यादा बढ़िया होगा। तो तुम वैसे भी डायपोल की डायरेक्शन देख सकते हो। डायपोल की डायरेक्शन क्या होती है भाई, क्या हो गया ये, डायपोल की डायरेक्शन क्या होती है, माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की तरफ होती है, राइट। और ये जो माइनस का ई क्यू है, इसकी डायरेक्शन किस साइड है, इस डायरेक्शन में है ना, ये तो अपोजिट तो हुआ, ठीक है। तो ये माइनस चार्ज बहुत कुछ बता देता है हमें। तो हेंस द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट पी, तो पी पॉइंट पे अगर हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मैं यहाँ पे नाम क्या दे दूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट, मतलब एक्सियल ये नाम दे दूंगा। तो इस केस में क्या करूँगा, प्लस चार्ज वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, प्लस चार्ज वाला इलेक्ट्रिक फील्ड और माइनस चार्ज वाला इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों क्या कर दूंगा, मैं ऐड कर दूंगा, ठीक है भाई, ठीक है ना। तो इन दोनों की वैल्यू तो ऊपर लिखी गई है, ये रहा इन दोनों की वैल्यू, तो इन दोनों वैल्यू को ऐड कर दोगे तो तुमको आंसर तुम्हारा मिल जाएगा। चलो तो हम लोग इसको अब ऐड करते हैं। ये स्किन को क्या हो जाता है, ठीक है। चलो अब प्लस क्यू वाला जो हमारे पास था, ठीक है ना, क्या था हमारे पास फॉर्मूला, 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस का चार्ज अपॉन में प्लस के चार्ज से पी पॉइंट तक की दूरी कितनी थी भाई, आर माइनस ए का होल स्क्वायर। भाई पेन काम नहीं कर रहा, एक मिनट रुक जाओ, तो बंद करना पड़ेगा मुझे। एक मिनट रुक जाओ यार, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर थे, ठीक है। तो माइनस इक्यू का फॉर्मूला क्या था, प्लस माइनस इक्यू का फॉर्मूला था हमारे पास 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है ना, क्यू अपॉन में माइनस क्यू से लेकर के पी पॉइंट तक की दूरी क्या थी, आर प्लस ए का होल स्क्वायर, ठीक है ना। इतनी चीज़ें थी और साथ में पी वेक्टर भी था हमारे, पी कैप भी था हमारे पास, तो पी कैप को यहाँ दिखा रहा हूँ मैं, पी कैप, और ये हो गया पी कैप, ठीक है। अब यहाँ से जो कॉमन आएगा उसको कॉमन निकाल लो, तो क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाएगा, और तुम्हारे पास क्या बचेगा यहाँ पर, 1 अपॉन में आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में आर प्लस ए का होल स्क्वायर और पी कैप भी कॉमन, तो कॉमन है, ठीक है। अब क्या करो, इसको सॉल्व कर लो, तो ये हो जाएगा आपके पास क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना, आर प्लस ए स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसको वैसे ही लिख देना भी, आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस ए को 1 से मल्टीप्लाई कर देना, तो आर माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है ना। इन दोनों को आपस से मल्टीप्लाई करना नीचे वाले को, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर और पी कैप। अब ऊपर क्या है, आर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा तुम्हारे पास, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फॉर्मूला लगाओ, ये हो जाएगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, राइट। और क्या हो जाएगा, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं डायरेक्ट, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास फॉर्मूला क्या आएगा, माइनस का ए स्क्वायर है ना, और माइनस का बी स्क्वायर है ना, और प्लस का 2ab, यही आ जाएगा ना, माइनस को ऑलरेडी मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। और यहाँ क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो कट रहा है, प्लस का स्क्वायर से माइनस का स्क्वायर कैंसिल, प्लस का ए स्क्वायर से माइनस का ए स्क्वायर कैंसिल, और 2ar प्लस 2ar क्या हो जाएगा, 4ar हो जाएगा। तो ये हो गया q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा 4ar
अपॉन में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब यहाँ पे कंडीशन, अगर ए बहुत ही ज़्यादा छोटा हुआ आर से, ठीक है ना, तो ए क्या हो जाएगा, नेगलेक्ट हो जाएगा, ठीक है, नहीं हाँ ना। तो यहाँ पे क्या होगा, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसमें से ए स्क्वायर को कॉमन नेगलेक्ट कर देंगे तो ये बचेगा आर की पावर 4, है ना। आर स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा तो आर की पावर 4 हो जाएगा। तो फाइनली ये फॉर्मूला क्या आ जाएगा, क्यू अपॉन में, अच्छा, टू ए को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2 × 2a, है ना, और आर, और नीचे क्या बच जाएगा, 4π εr और आर की पावर 4, है ना। एक आर से एक आर कैंसिल कर देंगे, है ना, और हमको मालूम है कि जो पी होता है वो होता है q × 2a, तो q × 2a, है ना, मतलब इसकी जगह पर मैं पी लिख सकता हूँ, इसकी जगह पे पी लिख सकता हूँ मैं। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा मेरा फाइनली, 2 1 अपॉन में 4π εr, 2 को अंदर डाल देता हूँ, 2p वैक्टर अपॉन में नीचे क्या बचेगा, सिर्फ r³ और p का कैप। तो ये फाइनल फॉर्मूला आ गया ई एक्सियल का। चलो निकल गया ना आराम से, ठीक है। बोलो किसी को कोई डाउट है, नहीं है, तो ये हो गया तुम्हारे पास एक्सेल वाला, राइट। अभी थोड़ी देर में इक्वेटोरियल वाला करेंगे हम लोग।